नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर हमारी क्लासिकल एक्यूप्रेशर की ट्रेनिंग सीरीज में, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं अपने पार्ट नंबर 258 के बारे में, यानी कि 258। और दोस्तों जिस पॉइंट की आज हम बात करने वाले हैं वो पॉइंट है हमारा एसपी मेरिडियन का 12 नंबर पॉइंट। ठीक है, तो दोस्तों पहले हम इसकी लोकेशन जान लेते हैं, इसकी लोकेशन क्या होती है, फिर इसके बेनिफिट के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो हम एक डायग्राम बनाते हैं पहले सिंपली अपने पैरों का। ठीक है, इस तरह से हो गया हमारे पैरों का डायग्राम। ठीक है, अब इसमें दोस्तों जैसे हमने पिछले वीडियो में बताया था ST10 से 6 कुंड की दूरी पर हमारा ST10 से और 6 कुंड की दूरी पर हमारा SP11 पॉइंट होता है। ठीक है, तो दोस्तों इससे लगभग चार कुंड की दूरी पर, और ये जो मिड लाइन है हमारी, सेंटर लाइन है, मिड लाइन है, इससे 3.5 कुंड की दूरी पड़ेगा, लगभग 4 से 5 कुंड लगभग। अगर मैं मानू ये हमारा जो पेल्विक जो रीजन होता है, पेल्विक रीजन होता है, ठीक है, यहाँ पे जो जॉइंट जो होता है, ठीक है, उसी पे ये पड़ेगा दोस्तों। तो ये थोड़ा सा गलत बन गया, ये लगभग ST11 जी यहाँ पे पड़ेगा ST11। ठीक है, और ये यहाँ पे पड़ेगा पेल्विक पे हमारा, और 3.5 कुल की दूरी पर यहाँ से, इधर से 3.5 कुल 3.5, और इधर से लगभग 4 से 5 कुल। ठीक है, अकॉर्डिंग टू फैट बॉडी। ठीक है, ये हो गया ST12 पॉइंट हमारा। ठीक है, SP12 अभी दोस्तों दोनों तरफ होगा हमारी बॉडी के। ठीक है, SP12 बॉडी के राइट और लेफ्ट दोनों तरफ सेम होगा। ठीक है, SP12 पॉइंट, ये हो गया हमारे पॉइंट की लोकेशन। अब बात करते हैं इसके बेनिफिट के बारे में, इसके क्या क्या बेनिफिट है, क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या चीजें, क्या क्या रोग, क्या क्या समस्याएं इससे ठीक होती है, वो जान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर किसी का पेशाब रुक जाए तो उसमें ये आपको फायदा करेगा। ठीक है, पेशाब रुक जाए। ठीक है, नंबर 2, पेट में किसी को गांठे हो जाए। ठीक है, जैसे कई लोगों को गांठे वगैरह हो जाती है, फैट में गांठे वगैरह हो जाती है, उस सब का बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। ठीक है, पेशाब रुक जाए, पेट में गांठे हो जाए, और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में पेन। ठीक है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में पेन, यानी जो हमारे प्रजनन अंग जो होते हैं उनमें अगर पेन हो तो ये आपको प्रॉब्लम इससे ठीक कर सकते हैं इस पॉइंट से। ठीक है, पॉइंट हमारा SP12 लोकेशन हो गई, ये हो गई बेनिफिट। अब बात करते हैं इसका ट्रीटमेंट कैसे करना है। दोस्तों ट्रीटमेंट के लिए हमें क्या करना है, ये जो हमारा पॉइंट है इस पे अपने हाथ के थंब से, बहुत सेंसिटिव पार्ट है, यहाँ पे ज्यादा टाइट प्रेशर बिल्कुल नहीं देना है, हल्का प्रेशर से ही हाथ के थंब से ही इस पॉइंट को दबाना है लगभग आधा मिनट के लिए, यानी 30 सेकंड के लिए, या आप हर 2 घंटे में 3 घंटे में रिपीट कर सकते हैं अभी सुविधा के अनुसार। ठीक है, तो दिन में आप इस तरह से इस पॉइंट से ट्रीटमेंट करेंगे, और रात में क्या करेंगे, जैसे हम हर वीडियो में बताते हैं, इस तरह के पेपर टेप लेंगे, स्टार मैग्नेट लगाएंगे उस पर, पेपर टेप पे स्टार मैग्नेट, और ये स्टार मैग्नेट लेके ये जो हमारा पॉइंट है SP12 इस पे लगा देंगे, दोनों तरफ लगा देंगे। ठीक है, ये जैसे इधर लगभग हमारा बनेगा पॉइंट, तो दोनों तरफ लगा देंगे। अभी हम रात को शाम को लगाएंगे सोते हुए, सुबह जब उठेंगे तब ये रिमूव करेंगे, और स्टार मैग्नेट हम निकाल के रख लेंगे, दोबारा से रियूज हो जाती है। तो इस तरह से दोस्तों आपको ट्रीटमेंट करना है, पॉइंट की लोकेशन देखनी अच्छे से, और ऐसे ट्रीटमेंट करना है, दिन में पॉइंट को प्रेस करना है, रात में मैग्नेट लगा देनी है। तो इस तरह से आपको रोगों का ट्रीटमेंट करना है, और साथ में ध्यान रखना है आपको डेली रूटीन के, अपने खान पान रहन सहन के बारे में बहुत ज्यादा ध्यान देना है, मैं हर वीडियो में इसीलिए बताता हूँ। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए पॉइंट के साथ।